बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो मेरी वीडियो है वो फिटनेस की, हेल्दी वेट लॉस की, हेल्दी लाइफस्टाइल, मेंटल हेल्थ के बारे में है कि आप किस तरह अपना हेल्दी वेट लॉस कर सकते हैं और अपनी फ़िज़िकल और मेंटल फिटनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं आज आपको इस वीडियो में 8 जो है वो टिप्स दूंगी टेक्निकली, कि किस तरह टेक्निकली आप जो हैं और प्रैक्टिकली जो है इन 8 चीज़ों पे अमल करके अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी बना सकते हैं और मेंटली अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हैं और वेट लॉस भी कर सकते हैं। तो चलें हम शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप हमारी है कि आपने 24 घंटों में से, अल्लाह ताला ने आप लोगों को 24 घंटे दिए हैं जिसमें से कम 1 घंटा आप लोगों ने एक्सरसाइज के लिए निकालना है। एक्सरसाइज आप, यू कैन डू एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, लाइक आप रनिंग कर सकते हैं, आप तेज़ कदमों से ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, आप जो है वो योगा कर सकते हैं, आप एरोबिक्स कर सकते हैं, आप कोई अच्छे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डेली बेसिस पे आप 1 घंटा निकालें, आप फुटबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें, जिसमें भागें, आपका पसीना निकले। तो कम से कम 24 घंटों में हमें अपनी लाइफ का 1 घंटा डेली जो है वो एक्सरसाइज पे देना चाहिए और जिसमें हमारा पसीना निकले। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप वॉक तो कर ही सकते हैं, तो रोज़ाना जो है वो आप छत पे वॉक करें, सहन पे वॉक करें, कहीं पे भी वॉक करें। शुरू में प्रॉब्लम होती है स्टाइल को सेट करते हुए कि हेल्दी लाइफ स्टाइल हमने स्टार्ट किया है, मगर हम शुरू में थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम फील होता है। तो हम रोज़ाना इस तरह शुरू कर सकते हैं एक्सरसाइज कि हम पहला दिन टारगेट रखें कि हमें 15 मिनट या 20 मिनट वॉक करनी है, दूसरे दिन हम 30 मिनट तक ले जाएँ, तीसरे दिन या 1 हफ्ते के अंदर हम उसी 15 से 20 मिनट को 40 मिनट्स तक ले जाएं और अल्टीमेटली हम 1 आवर जो है वो डेली एक्सरसाइज करें। अच्छा, कुछ लोग डेली वॉक करने से भी बोर हो जाते हैं, तो आप फिर जो है वो डिफरेंट एक्सरसाइजेस को ले लीजिए। आप योगा कर लीजिए, एक दिन योगा कर लें, 1-2 दिन आप वॉक कर लें, 1-2 दिन आप रनिंग कर लें, ठीक है। तो इस तरीके से और हर टाइप की जो एक्सरसाइज है वो जो है हमारे YouTube पर या डिफरेंट वेबसाइट्स पे, इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप उसे देख के भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं एक और बात मैं आपको एक्सरसाइज के लिए बता दूं कि जितना भी हमारा पसीना निकलता है तो वो टॉक्सिन हमारी बॉडी के रिलीज़ होते हैं, और कम से कम ये एक WHO का क्राइटेरिया है कि कम से कम हम सबको रोज़ाना 10,000 स्टेप्स यानी 10,000 कदम चलना चाहिए, ठीक है। अच्छा, सेकंड जो टिप है या जो सेकंड टेक्निकल चीज़ है जिससे आपका हेल्दी वेट लॉस हो सकता है, आपकी बॉडी जो है वो फिज़िकली मेंटली आप हेल्दी हो सकते हैं, वो ये कि आप फोकस करें कि आप अपने खाने का पोर्शन साइज़ थोड़ा कंट्रोल करें। जैसे कुछ लोगों को खाना पसंद आ रहा है तो वो 3 रोटियां 4 रोटियां खाना शुरू हो जाते हैं, तो ठीक है आपको भूख लगी है, लेकिन आप उसको पहले 2 रोटियों पर ले आएँ, फिर 1 रोटी पर ले आएँ। तो 1 रोटी तो खाना मस्ट है आपको स्ट्रांग रहने के लिए, मेंटली भी और रेजिस्टेंस को भी अपना इम्प्रूव रखने के लिए। तो आप जो है कोशिश करें कि अपने खाने का पोर्शन साइज़ डिक्रीज़ कर दीजिए और 1 रोटी आप खाएं रादर देन आप 2 खा रहे हैं 3 खा रहे हैं 4 खा रहे हैं, ठीक है। और ये सब आहिस्ता आहिस्ता करें, एकदम तो कोई भी चीज़ नहीं हो पाती है और मुश्किल होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके आप अपने जो खाने का है मील का पोर्शन साइज़ कम कर दीजिए। अगर आप भर के बिरयानी की प्लेट ले रहे हैं तो आप उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए। तो सेकेंड टिप तो पोर्शन साइज़ पर आपको फोकस करना है, ठीक है। थर्ड चीज़ है कि आपको खाना क्या है, हेल्दी डाइट आपको लेनी है, यानी मील आपने हेल्दी लेना है, तभी आप मेंटली और फिज़िकली हेल्दी और स्ट्रांग हो सकते हैं और साथ में आप अपना वेट लॉस भी कर सकते हैं। जैसे एक तो मैं आपको जो नहीं खाना है वो बताऊं कि एटलीस्ट आप लोग जंक फूड जो है, जिंगर बर्गर, पिज़्ज़ाज़ है, कोल्ड ड्रिंक्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, बहुत ज़्यादा शक्कर वाली चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो नमक वाली चीज़ें हैं, ये अवॉइड कीजिए। तली हुई फ्राइड चीज़ों को अवॉइड कीजिए। कोई भी चीज़ आपको पसंद है आप अपने घर में बना के खा लें। अगर आप बर्गर बना रहे हैं आप अपने घर पर उसको साफ़ सुथरे अंदाज से बना के खा लें, पिज़्ज़ा है घर पे बना के खा लें, नहीं बना सकते तो जो चीज़ें आपको पसंद है वो आप घर पे बना के खा लें जो आपको बनाना आती है, लेकिन बाहर का कोशिश करें अवॉइड करें। और अगर आपको खाना पड़ जाए तो आप सिर्फ चख लें, टेस्ट कर लें और प्रॉपर उसको ले ना, ठीक है।
है। अच्छा, जो चीज़ें आपको खानी है, आप जितने फ्रूट्स चाहें आप खाएं, क्योंकि फ्रूट्स में जो कार्बोहाइड्रेट्स होती है वो मोटा नहीं करती है, उससे आपकी बॉडी में एक हेल्दी कार्बोहाइड्रेट जाता है, ठीक है। इसी तरीके से जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, आप लीजिए। इसके अलावा आपने असली घी का इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा असली घी, बिल्कुल 2-3 ड्रॉप्स जो हैं आप अपनी रोटी पर लगा के खाएँ, आप खाने में तड़का लगा के खाएँ। असली घी से आपकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, आपके अंदर एक फिज़िकल स्ट्रेंथ पैदा होती है, एक रेजिस्टेंस पावर पैदा होता है। असली घी हम घर में भी निकाल सकते हैं। बहुत सारी खवातीन, इवन मैं भी जब हॉस्पिटल से फारिग होती हूँ तो मैं अपनी मदर के साथ मिलके जो है असली घी वगैरह निकलवाती हूँ, तो मलाई से हम लोग असली घी बना लेते हैं। लेकिन असली घी गाँव के अंदर अवेलेबल होता है। आप अच्छी क्वालिटी का मक्खन ले सकते हैं, जो कि जिसमें सॉल्ट ना हो। इस तरीके से दही है, लस्सी है, दूध है जिसमें शक्कर ना हो, लस्सी ऐसी जिसमें शक्कर ना हो वो आप इस्तेमाल करिए। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको अंदर से आपकी हड्डियों को आपको स्ट्रॉन्ग करेंगी, मेंटली भी और फिजिकली भी। आपकी जो लाइफ है वो आपकी लॉन्ग करेंगी। अगर किसी की एवरेज लाइफ 60 साल है, तो ये तमाम असली चीज़ें खाने से आपकी लाइफ जो है वो 80+ तक चली जाती है, ठीक है, और हेल्दी वे में। अच्छा, प्रोटीन शेक्स इस्तेमाल मत कीजिए काइंडली, क्योंकि प्रोटीन शेक से आपका मास जो है वो एकदम आ जाता है, मगर फिर वही होता है कि उसको मेंटेन रखना और उसको जो है फिर ये आपके लिए इतना हेल्दी नहीं होता है। आप नट्स का इस्तेमाल कीजिए, लाइक अखरोट हो गए, खुबानी तो खैर फ्रूट है, आप नट्स के अंदर अखरोट खा सकते हैं, आप बादाम खा सकते हैं, आप पिस्ता खाएँ, इंजीर खाएं। ये मुट्ठी भर आपने रोज़ाना जो है, स्पेशली सुबह के टाइम नट्स लेना बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो ये चीज़ें आपने अपनी लाइफ में रखनी है। मैं रिपीट कर दूँ, असली घी का इस्तेमाल, दूध का इस्तेमाल मलाई हटाकर, दही का इस्तेमाल, लस्सी का इस्तेमाल और नट्स का इस्तेमाल आपकी लाइफ को हेल्दी रखता है और आपके मेंटल और फिज़िकल पावर के अंदर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ठीक है। घर का खाने को आप यस कह दें, बाहर के खाने को आप नो कह दें। इवन मैं हॉस्पिटल में होती थी पहले, मैं पकोड़े समोसे मंगा के और चाय वगैरह मंगा के खा लेते थे हम सब लड़कियाँ मिलकर जब हमारी ड्यूटीज़ वगैरह हुआ करती थी, मगर अब हम लोगों ने भी नो कह दिया। एक तो कोरोना वायरस की वजह से, प्लस फिर हमें एहसास हुआ कि लाइफ को हेल्दी रखने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हैं। तो हम क्या करते हैं, अब हम घर का ही टिफ़िन ले जाते हैं। तो घर, अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, तो घर में लंच बॉक्स या आप टिफ़िन ले जाएं और उस घर का खाने को प्रिफर करें। उसके बाद जो चौथी टिप है आप लोगों के लिए, वो ये है, जिस पे मैं ख़ुद भी इन तमाम चीज़ों पे अमल करने की कोशिश करती हूँ और मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। टाइम ऑफ मील बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक आप लोगों ने शाम को मगरिब के बाद खाना नहीं खाना, आप कोशिश करें मगरिब तक या मैक्सिमम 6:30-7 तक खाना खा लें, उसके बाद खाना ना खाएं, और मैक्सिमम अगर आपकी लिमिट हो भी तो आप 8 बजे तक खा लें, क्योंकि इससे ज़्यादा लेट खाने से खाना हमारे पेट में पड़ा रहता है रात भर। लाइक अगर हम 10 बजे खाना खा रहे हैं तो कम से कम खाने को हज़म होने के लिए भी 3 घंटे चाहिए होते हैं। तो खाना ऑलरेडी आपने रात को 10-11 बजे खाया, वो पेट में पड़ा हुआ है, फिर सुबह उठकर आप लोगों जो है जब नाश्ता करेंगे तो तमाम बीमारियां, आप एक बात नोट कीजिए, तमाम बीमारियां पेट से शुरू होती हैं, चाहे वो कोई भी मूजी मर्ज हो, कैंसर हो, कोई भी बीमारी हो, वो पेट से शुरू होती है। तो काइंडली कोशिश करें कि अपने पेट के निज़ाम को आप ठीक रखेंगे तो अल्टीमेटली आपकी स्किन, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिज़िकल हेल्थ ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। तो बॉडी को जो है वो एक टाइमिंग की ज़रूरत होती है। तो सुबह आप अर्ली मॉर्निंग 8 बजे तक नाश्ता कर लें, 12 बजे तक, 1 बजे तक आप ब्रंच करना चाहें, छोटे मोटे कोई फ्रूट्स लेना चाहें ले लें, फिर दोपहर के 2-3 बजे तक आप लंच कर लें और रात को आप 7 बजे तक एनी हाउ खाना खा लें। इससे आपका वेट लॉस भी होगा, क्योंकि रात भर आपका पेट जो है हज़म करके मेटाबोलाइज कर लेगा खाने को, आपका फैट जो है वो लॉस होगा और खाना भी आपने देखे सिलेक्टेड कर दिया है, पोर्शन साइज़ भी आपने कम कर दिया है, बाहर का खाना बंद कर दिया है, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर एक हेल्थ पैदा होगी और आपका वेट लॉस शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो मेरी अगली टिप है वो है स्लीप के हवाले से, कि रात को सोने से भी वेट लॉस होता है। लाइक अगर आप 8 घंटे की नींद, पुरसुकून नींद करते हैं तो आपका वेट लॉस होता है। आपकी क्यों क्यों होता है वेट लॉस? बिकॉज कि आपकी बॉडी का फंक्शन ठीक हो जाता है, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाता है। अब हम सारी रात हमारा, अगर हम देर से खाना खाते हैं, लाइक अगर हम देर से खाना खा रहे हैं, हम 11 बजे खाना खा रहे हैं
और हम सो गए तो हमारा जहन तो सो रहा है मगर हमारी बॉडी जाग रही है। हमारी बॉडी में हमारा निज़ाम हज़म, हमारी आंतें, हमारा स्टमक, मैदा सब जाग रहा है, वो खाने को हज़म करने में लगा हुआ है। रात की 3 बजे तक तो उसने खाना हज़म किया है। तो इस तरह क्या ये स्लीप अच्छी नहीं होती। अगर आप अर्ली खाना खा लें और उसके बाद आप 10 बजे तक कोशिश करें कि सो जाएँ और आप जो है 8 घंटे की मुकम्मल नींद करके फिर 6 बजे सुबह या 7 बजे सुबह उठ जाएँ, फजर की नमाज़ पढ़ें, तो ऑटोमेटिक आपके चेहरे पे भी ग्लो आएगा, आपका निज़ाम हज़म दुरुस्त होगा, आपकी नींद आपके जहन ने भी करी और आपके जिस्म ने भी करी। तो ये चीज़ है कि 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है फॉर नॉर्मल फंक्शन ऑफ ब्रेन एंड बॉडी। इसके अलावा जो मेरी टिप है, जो 6th टिप है, वो ये है कि स्क्रीन टाइम आप अपना कम कर दीजिए। अगर आप जो हैं वो इस वक्त घर पर हैं बहुत सारे लोग, या उनके पास घर पे ज़्यादा टाइम है, तो ज़्यादातर लोग मोबाइल और कंप्यूटर्स में लगे हुए हैं, तो ठीक है आप देखिए मगर एक सिलेक्टेड वे में अपना स्क्रीन टाइम कम करें। क्योंकि जितना भी हम मोबाइल टेलीविजन वगैरह देखते हैं तो हम बैठे बैठे देखते हैं, हमारा एक लाइफ स्टाइल थोड़ा सा स्टक हो जाता है। तो देखें मगर सिलेक्टेड कर दें उसको। इसके अलावा 7th टिप है मेरी, आई थिंक मैंने 7th कर दी है, कि अर्ली स्लीप और अर्ली मॉर्निंग आप वेकअप हो जाएं, जल्दी जाग जाएं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो मेरी 8th टिप है वो है से नो टू नेगेटिविटी, यानी ना बुरा सोचें ना बुरा समझें। अगर हम अपने जहन में हर शख्स की बुराई लेके बैठ जाएंगे कि इसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया और उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, वो अच्छा नहीं है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आप इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, जो जैसा है वो वैसा रहेगा। ठीक है, आपने अपना पॉइंट कन्वे कर दिया रिस्पेक्टफुली, वो ठीक है, मगर आप उसके किसी शख्स के लिए भी, इवन आपको किसी ने आपके साथ बुरा भी किया हो तो उसके लिए बुरा ना सोचें, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं, आपके अंदर नेगेटिविटी पैदा होगी। कोशिश करें कि अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम अच्छे काम करें, लोगों के साथ अच्छाई कर सके, और क्योंकि जितना आप बुरी बातों से बचेंगे, जितना आप नेगेटिविटी को अवॉइड करेंगे, उतनी आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी, आपका मूड अच्छा रहेगा। मूड अच्छा रहेगा तो आपके जो रूटीन के काम है वो आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये इसलिए वेट लॉस के लिए, हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए, फिटनेस के लिए, ये तमाम टिप्स थी मेरी जो मैंने आपको 8 टिप्स आज शेयर की हैं, जो बहुत टेक्निकल हैं, ठीक है। और कोई देर इज़ नो शॉर्टकट टू लूज़ वेट, इट टेक्स टाइम। तो अगर आपने आपका वज़न बढ़ा है, आपकी लाइफ जो है वो हेल्दी नहीं है, तो वो भी कुछ सालों में हुई होगी। तो इसी तरीके से जब आपकी लाइफ को आप हेल्दी बनाना चाह रहे हैं और वेट लॉस करना चाह रहे हैं, तो वो भी उसमें भी 4-6 महीने कम से कम लगेंगे। तो इन तमाम टिप्स को कम से कम 3 से 6 महीने दें। और जैसे कि मैंने कहा कि अच्छा, एक्सरसाइज का भी मैं आपको टाइम बता दूं कि जब हम अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, तो आप सुबह आधे घंटे से 1 घंटा एक्सरसाइज कर लें। क्योंकि जो नहार मुँह भूखे पेट एक्सरसाइज होती है, उससे हमारी बॉडी का फैट जो है वो बहुत जल्दी जो है वो ख़त्म होता है, लॉस होता है। उसके बाद आप 15-20 मिनट बाद वॉक के या एक्सरसाइज के नाश्ता कर लीजिए। अच्छा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को मील्स के बारे में बताऊंगी कि किस किस टाइम में आपको अपने मील्स लेना चाहिए, ब्रेकफास्ट, ब्रंच, लंच और डिनर की एग्जैक्ट टाइमिंग क्या होनी चाहिए और उसमें क्या चीज़ शामिल होना चाहिए। और मैं कोशिश करूँगी कैलोरीज़ के हवाले से आपको चीज़ें बना के बताऊँ कि इतने कैलोरी का नाश्ता ये है और इस तरह का लंच का नाश्ता, या उसमें इतनी कैलोरीज़ हैं, लंच में इतनी कैलोरीज़ हैं, ये सब मैं आपको बताऊँ। तो इंशाल्लाह इंतज़ार कीजिएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो का। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।